नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो थाना कसौला पुलिस ने कैंटर चोरी के मामले में एक आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मणिपुर चौक से कैंटर चोरी की थी इसने, एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान नूह जिला के फेलांदी गाँव निवासी के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता सोमवीर सिंह निवासी चिराड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी बताया था कि उसके पास एक कैंटर गाड़ी है जिसको 31 मई की रात को ड्राइवर रामवीर ने एक कंपनी के सामने खड़ा किया था। 1 जून को सुबह जब वह वहां पर गया तो गाड़ी नहीं मिली। उसने अपने स्तर पर गाड़ी की काफ़ी तलाश भी की लेकिन कुछ गाड़ी का कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी थी। आरोपी को मेवात पुलिस द्वारा किसी अन्य मामले में पकड़े जाने पर इस वारदात का भी खुलासा किया था। इसके बाद आरोपी को दारोड़ा पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया था और अब कसौला पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर की बात करेंगे कि चोरी की खबर है, वो भी एक पकड़ा गया है। CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया स्कूटी चोरी का आरोपी। आपको बता दें कि मॉडल टाउन थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जिला झज्जर के गांव लीला हेड़ी निवासी के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जा से चोरी की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता शक्ति नगर निवासी मंजीत यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 9 जून को अपनी स्कूटी लेकर पुराने कोट मॉडल टाउन एक शोरूम पर आया था। स्कूटी को शोरूम के साथ खाली बड़ी प्लॉट में खड़ा कर दिया था। इसके बाद शोरूम में चला गया। जब मैं आप वापस आया तो स्कूटी वहां पर गायब मिली। पीड़ित ने पहले अपने स्तर पर कार्रवाई की और स्कूटी की तलाश की लेकिन स्कूटी का कोई भी मालूम नहीं चल सका। इसके बाद CCTV फुटेज देखे तो उसमें एक युवक स्कूटी ले जाता हुआ नजर आया। तत्पश्चात पीड़ित ने मामले की शिकायत मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की खबर की बात कर ले तो हम आपको बता दें कि पत्नी ने पति पर मारपीट पे अवैध हत्या रखने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को कारतूस भी सौंपे हैं। दारोड़ा थाना क्षेत्र के गांव मालाहेड़ा निवासी एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं महिला ने अपने पति पर अवैध हत्या रखने का भी आरोप लगाते हुए पुलिस को कारतूस भी सौंपे जिनके बारे में उसका दावा है कि वह जेब से मिले हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में मालाहेड़ा निवासी एक महिला ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। 2 दिन पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी और घर से निकालने का प्रयास किया था। विरोध करने पर उसके पति ने जेब में रखे 2 कारतूस दिखाते हुए उसको जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का कहना है कि उसके पति के पास कोई लाइसेंसी पिस्तौल नहीं है, इसके बावजूद उसके पास कारतूस कहाँ से आए। पति के सो जाने पर महिला ने दोनों कारतूस निकाल लिए और थाना में पहुंचकर पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मारपीट धमकी देने वे आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज की खबर यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते हैं, हमारे चैनल को देखना ना भूले। धन्यवाद।